काफी समय तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद जब हमारे भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक हम भारतीयों को कई नई नई योजनाओं का लाभ मिलता रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि अब आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नई योजना के अंतर्गत कार मिलने तक का बड़ा फायदा हो सकता है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप भी इस स्कीम का फायदा वाकई में उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस खबर का 100% प्रूफ, जो कि काफी मीडिया और न्यूज साइटों के ऊपर ब्रांडेड न्यूज पेपरों में देखने को मिल जाएगा, वह आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी योजनाएं निकाली हैं जितनी शायद ही पिछली किसी सरकार ने निकाली हो, चाहे वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जिसके अंदर करोड़ों गरीब लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिसमें भारतीय लड़कियों और बालिकाओं के लिए पढ़ाई में खास स्कीमें निकाली गई थी, यहां तक कि सुकन्या समृद्धि योजना भी हमारे भारत की बहनों के लिए है जो 18 साल की होने पर शादी के खर्च के लिए उनके परिवार पर निर्भर नहीं रहने पड़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। गाँव के जो लोग बैंकों के दर्शन भी नहीं कर पाते थे, उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों की सारी सर्विसेज मिली और मुफ्त में उनके करोड़ों बैंक अकाउंट खोले गए। यही नहीं, इसके साथ ही उन्हें डेबिट कार्ड भी दिए गए। फसल बीमा योजनाओं से लाखों करोड़ों किसानों की जिंदगी में बड़ा फायदा हुआ है। फिर चाहे वह हम बात करें डिजिटल इंडिया के बारे में, तो भीम ऐप जैसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जिंदगी में काफी बड़े बदलाव और काफी सुविधाएं दी हैं। ठीक उसी तरह मोदी सरकार कार को लेकर एक बड़ी प्लानिंग में है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बस कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन के इंतजार के बाद आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार की डीजल या फिर पेट्रोल से चलने वाली कार को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सब्सिडी देने की प्लानिंग में है। यानी कि अगर आप अब नई इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदते हैं तो यहां तक कि सरकार आपको 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है, जिस तरह से गैस कनेक्शन पर आपको मिलती है। तो दोस्तों, जैसे ही ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लानिंग गवर्नमेंट अपनी पब्लिक में निकालती है, मैं आपको जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर एक नए वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा किस तरह से आप इसका फायदा उठा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वैसे अगर आप नई कार खरीदते हैं तो कौन सी कार खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि इसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप गैजेट्स कुछ भी हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।